हाई स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिस्कशन में आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 से लेकर 20 एंड 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। काफ़ी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का 28 और 30 नंबर का क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था। नीचे देखिए, मुझे पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। तो नीचे वाले टर्म को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, टी सब्स्टिट्यूट कर दें। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा माइनस का कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया आपके पास, माइनस डी टी। आगे क्या हो जाएगा बेटा, जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का डी टी अपॉन में, ये तो टी था, टी की पावर 2। टी की पावर टी को ऊपर ले जाइए, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो काफ़ी आसान है। तो माइनस आपका बाहर टी की पावर माइनस 2 डी टी, तो दैट इज माइनस टी की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस 1 प्लस सी। कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 1 अपॉन में प्लस का टी प्लस सी आ जाएगा। या टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 की बात करता हूँ। 32 में थोड़ा सा कन्वर्जन करना बेटा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का बन जाएगा। कॉट हम जानते हैं, कॉट एक्स कितना होता है आपके पास, कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एलसीएम ले लीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन में ये आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हमें लॉजिक ये लगाना पड़ेगा बेटा कि ऊपर तो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स आ रहा है, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ रहा है, नीचे कॉस भी आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये कितना हो गया आपके पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स करा, अब हमारे पास क्या है, नीचे हमें दे रखा साइन भी दे रखा, कॉस भी दे रखा है, ऊपर भी हमें कॉस और साइन लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके बाद में इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स, मैंने प्लस कॉस एक्स करा और माइनस का कॉस एक्स करा, मतलब कॉस एक्स को प्लस करा और कॉस एक्स को माइनस करा। नीचे आ जाएगा आपके पास क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ये जो साइन है, दो लिखा, एक साइन को इसके साथ लीजिए, एक साइन को इसके साथ लीजिए, और दोनों को सेपरेट कर लीजिए। तो देखिए ऐसा करा मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके अपॉन में ये लिखा मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स का कॉस के साथ लिखा, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये दोनों टर्म कट गई, कट कर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो इसे तो मैंने लिख दिया कितना, 1 ऑफ डी एक्स माइनस। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन का कितना होगा कॉस, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ ऊपर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप नीचे वाली टर्म को टी मान लीजिए, मतलब क्या लिखेंगे आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने सपोज करा टी, इसको टी सपोज करने से क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएट होगा माइनस का साइन का होगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ का मल्टीप्लाई, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
ये हो गया डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का डी टी। ध्यान से देखिए ये आपके पास वही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा टी, डी टी अपॉन में टी, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा ये, इसका तो आ गया आपके पास कितना है एक्स माइनस, इसका कितना आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो टी का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार मैं आपको जब पहली बार आप करोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए कैसे करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट एक्स को कॉस अपॉन में साइन में तोड़िए यहाँ पर। सेकंड कंडीशन यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, टू साइन एक्स है तो यहाँ टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड करना पड़ेगा, टू लाया मैं, फिर मैंने कॉस को प्लस किया कॉस को माइनस किया, फिर दोनों को सेपरेट किया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, कुछ इसी पैटर्न पर हमारे पास बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा आपको डी एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। यहाँ भी सिंपलेस्ट लॉजिक लगाना आपको, सिंपल सा टेन एक्स आप जानते हैं क्या होता है, टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, पुट कर दीजिए इसे यहाँ पे। तो वन ऑफ डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऊपर पहुँच जाएगा कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर मुझे टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड फिर करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये मेरे पास टू कॉस एक्स। अच्छा इसके पहले वाले में टू भी आएगा ना, वन बाई टू बाहर आएगा, ये वन बाई टू आपका बाहर, यहाँ आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 32 में मैं वन बाई टू बाहर नहीं लिखा है, लिखिएगा उसे आप, ठीक है। यहाँ पर अब टू कॉस एक्स, मुझे माइनस का साइन भी चाहिए, तो मैं साइन एक्स को प्लस करूँगा साइन एक्स को माइनस करूँगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, वन बाई टू आपका बाहर, टू कॉस एक्स यहाँ पर लिखा मैंने प्लस ऑफ साइन एक्स, फिर लिखा माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगेन सेपरेट कर लीजिए, टू कॉस एक्स है तो एक कॉस को साइन के साथ और एक कॉस को इस माइनस साइन के साथ सेपरेट कर लीजिए इसे रखने के बाद। तो ये वन बाई टू तो आपका बाहर कॉस एक्स, पहले मैंने इस वाले कॉस में एक को इसके साथ रखा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, अगेन वन बाई टू इसके साथ भी आएगा क्योंकि पूरे के साथ है ना। अब एक कॉस को प्लस के साथ रखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये दोनों कट गए, यहाँ गया वन ऑफ डी एक्स, वन बाई टू आपका बाहर वन ऑफ डी एक्स माइनस। यहाँ से देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता माइनस का साइन एक्स, यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, इसको मैं इधर बता देता हूँ। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को आप टी मानेंगे तो माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और पूरे के बाहर डी एक्स बराबर डी टी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस ऑफ डी टी। मतलब इसकी जगह क्या रखूँ मैं, माइनस का डी टी और ये हो गया टी, तो ये कितना हो गया वन बाई टू दैट इज़ माइनस का डी टी अपॉन में टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, वो तो आपके पास हो गया एक्स अपॉन में टू, वन बाई टी का लॉग टी होता माइनस माइनस प्लस वन बाई टू लॉग टी प्लस सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वन से लेके 30 तक के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, उसके बाद के जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, 34 और भी अच्छा है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी तभी जाके आपके पास ये अच्छे से आएंगे आपको, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 34, 34 में क्या दे रखा बेटा, अंडर रूट ऑफ 10x, नीचे क्या है मेरे पास, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को जब फर्स्ट टाइम देखते तो ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अजीब सा लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सोच में नहीं आता। बच्चे कई बार सोचते हैं, कई बार बहुत सही ढंग से सोचते हैं कि 10 को हम साइन और कॉस में तोड़ लें। हम इस क्वेश्चन को उसी फैक्टर से करेंगे कि 10x को साइन और कॉस में हम तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, क्या इसे मैं ऐसा लिखता हूँ, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स अंडर रूट के अंदर, ये कितना हो गया आपके पास, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन की पावर 1/2 कॉस की पावर 1/2 हो जाएगा, कॉस की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये साइन एक्स की पावर 1/2 और नीचे हो गया कॉस एक्स की पावर भी 1/2, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर ये कॉस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स की पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएंगे आपके पास, कम हो जाएगी पावर, रूट से कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये डी एक्स अपॉन में, ये तो हो गया कॉस एक्स की पावर 3/2 और ये आपके पास कितना हो गया, साइन एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना, कॉस एक्स की पावर 3/2, साइन एक्स की पावर 1/2। इसे मैं दो फैक्टर में लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसके बाद एक चीज़ और कर सकता हूँ, क्या कि मैं कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करूँ, कॉस एक्स का डिवाइड करूँ यहाँ पे नीचे वाली टर्म में। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, हाँ इसको वैसे भी कर सकते हैं आप, ये हो गया डी एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स की पावर 3/2, साइन एक्स की पावर 1/2, मैंने कॉस एक्स की पावर 1/2 का डिवाइड करा, कॉस एक्स की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बेस सेम है, कॉस एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना, ये पावर में 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 2 हो जाएगी, और ये साइन बटा कॉस क्या जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस एक्स की पावर 3/2 कॉस एक्स की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 4/2, और ये कितना है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा। क्या करा मैंने इस फैक्टर में, कॉस एक्स की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स की पावर 1/2 का डिवाइड किया, कितना हो जाएगा आपके पास, ये डी एक्स अपॉन में, ये तो हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ कितना गया बेटा, 10x की पावर 1/2। इसे आप ऊपर ले जाइए, 1 अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे कितना आ गया आपके पास, 10x की पावर 1/2। अब आपके यहाँ कन्वर्जन बन रहा है, क्या 10x को t मान लूँ, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, जी सर बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, 10x को t मान लीजिए, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, dt हो जाएगा, तो ये फैक्टर कितना बन जाएगा आपके पास, dt अपॉन में टी की पावर 1/2, ठीक है, तो कितना जाएगा ये आपके पास, टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, और ये नीचे भी हो जाएगा आपके पास माइनस 1/2 प्लस 1, तो फाइनली हो जाएगा टी की पावर 1/2, तो 2 टी की पावर 1/2 ये आंसर है, प्लस सी, टी की जगह आप रख दीजिए कितना, 10x, तो 2√10x प्लस सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, 34 नंबर का, ठीक है ना, अच्छी कैटेगरी में से लगते हैं, डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कंप्लीट करा, क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 तीन क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एक सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं है, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 और उसके अपॉन मैक्स, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 अपॉन में एक्स, सीधे से आप ऊपर 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी माना, डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि 1 का 0 हो गया, लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन में एक्स डी एक्स, डी टी हो गया, तो यहाँ पर ये डी एक्स लिख दीजिए,
तो डी एक्स अपॉन मैक्स कितना हो जाएगा, डेट इज डी टी, पुट कर दीजिए इसे आप, कितना हो जाएगा आपके पास टी की पावर टू ऑफ डी टी, तो टी की पावर थ्री अपॉन में थ्री। टी कितना था हमारे पास यहाँ से, वन प्लस लॉग एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री। क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी इजी कैटेगरी में है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, 36 जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही कुछ। 36 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर टू अपॉन में एक्स है, एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर टू अपॉन में एक्स है। देखिए कोई लॉजिक नहीं है इसमें, सीधा सा है, एक्स लॉग एक्स को आपको टी सपोज करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब डिफरेंशिएशन की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे इसका डिफरेंशिएट करना है। गॉट इट, सिंपल सा लॉजिक है, एक्स लॉग एक्स को टी मान लीजिए, एक्स प्लस लॉग एक्स, ये एक्स प्लस लॉग एक्स ना, इसे टी माना, एक्स का डिफरेंशिएट वन होगा, लॉग एक्स का वन अपॉन में एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखिए एक्स प्लस वन यहाँ पर ये मैंने डी एक्स लिखा, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स ऑफ डी एक्स डी टी हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो टी की पावर टू ऑफ डी टी, टी की पावर थ्री अपॉन थ्री, कंप्लीट, ठीक है। 36 कंप्लीट हो गया। 37 भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन आपको दे रखे हैं। 35, 36 नोट करिए। एक्स की पावर थ्री साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स की पावर एट, वन प्लस एक्स की पावर एट। क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ गए हैं, क्योंकि एक्स की पावर थ्री आ गया, साइन आ गया, टेन इनवर्स आ गया, एक्स की पावर फोर आ गया और अपॉन में भी आ गया, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना। फिर मेरा वही कहना है कि इनवर्स ट्रिगो के जो डिफरेंशिएशन है वो आपको आना चाहिए, इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मुझे पता है कि टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर पुट किया टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को टी माना, टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर इक्वल टू डी टी, सॉरी डी टी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर फोर का जब स्क्वायर करूँगा, एक्स की पावर फोर का स्क्वायर करूँगा एक्स की पावर एट हो जाएगा, तो कितना जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट डी बाई डी एक्स एक्स की पावर फोर इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि पहले टेन दिखा फिर एक्स की पावर फोर दिखा, तो वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट, एक्स की पावर फोर का हो जाएगा फोर एक्स की पावर थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए एक्स की पावर थ्री वन प्लस एक्स की पावर एट और डी एक्स हमें दे रखा है, एक्स की पावर थ्री डी एक्स वन प्लस एक्स की पावर एट है, ये जो फोर है इस फोर को नीचे ले आता हूँ, तो एक्स की पावर थ्री डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट इक्वल टू कितना आ गया डी टी बाई फोर। बस इसकी जगह डी टी बाई फोर आपको पुट करना है, डी टी बाई फोर अगर आप पुट करेंगे तो डी टी बाई फोर, और ये आपके पास कितना साइन, ये कितना टी था, तो इसको टी लिख लीजिए ऐसे, साइन टी इन टू डी टी बाई फोर, वन बाई फोर को आगे निकाल लीजिए, वन बाई फोर ये कितना हो जाएगा साइन टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो माइनस का वन बाई फोर कॉस टी प्लस सी, टी का वैल्यू रख लीजिए टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर। तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट डिस्कस करवा दी है, तीन पार्ट्स में इसको डिस्कस करवाए हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ तो नीचे वाले को आप टी मान लीजिएगा, ऊपर वाला आपका डिफरेंशिएट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
38 आप खुद करिएगा, नीचे वाले जो सिस्टम है उसे टी मान लीजिएगा, ऊपर वाला आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है, अच्छा क्वेश्चन है। डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हम डायरेक्ट कैसे करें, नीचे दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, क्या करेंगे हम, ऊपर यहाँ वन लिखा है, वन की आइडेंटिटी हम थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हैं, ब्रेन यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो क्या मैं यहाँ पर इस वन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ वन है तो उसे लिखा मैंने क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इन टू ऑफ डी एक्स। अब आप इसे सेपरेट कर लीजिए अलग अलग फंक्शन को, तो सेपरेट करने पे कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस से कॉस काट दीजिए, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा, मतलब उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये बचेगा आपके पास डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, वन अपॉन में कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर, पुट कर दीजिए इसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा इसमें करेक्ट है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर जो बेस कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस करवा दिए हैं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बच्चों के साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है ना, और नीचे कमेंट करके बताएं अगले कौन से चैप्टर पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है ना, थैंक यू।